भारतीय क्रिकेट टीम को टेस्ट में पहली जीत दिलाने वाले कप्तान अजीत वाडेकर का बुधवार रात मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में निधन हो गया। वाडेकर 77 साल के थे। 1 अप्रैल 1941 को जन्मे वाडेकर ने 1966 में भारत के लिए पहला टेस्ट खेला था। 8 साल के करियर में वाडेकर ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैच खेले थे। अपने इस टेस्ट करियर में वाडेकर ने 1 शतक और 14 अर्धशतक की मदद से कुल 2113 रन बनाए। क्रिकेट में दिए गए उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें 1967 में अर्जुन अवार्ड और 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन क्या आपको पता है, वाडेकर क्रिकेटर नहीं इंजीनियर बनना चाहते थे। एक बार वाडेकर अपने पड़ोसी बालू गुप्ते नाम के शख्स के साथ बस में जा रहे थे, तो बालू ने उनसे पूछा कि क्या तुम कॉलेज की क्रिकेट टीम के 12वें खिलाड़ी बनोगे और उसके लिए तुम्हें 3 रुपए मिलेंगे। उस जमाने में 3 रुपए एक बड़ी रकम होती थी। वाडेकर ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और टीम में शामिल हो गए। बाद में सुनील गावस्कर के चाचा माधव मंत्री ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें रणजी टीम में खेलने का मौका दिया। उसके बाद 1971 में भारतीय टीम ने अजीत वाडेकर की कप्तानी में वेस्टइंडीज को हराया। ये विदेश में भारत की पहली जीत थी। इसी साल टीम इंडिया वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर गई। यहां उसने इंग्लैंड को 2-0 से हरा दिया। वाडेकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है।